भोगने के लिए नहीं आई और न सुख की प्राप्ति के वास्ते आई। ऐसा जो हम मानते हैं तो ये हमारा दर्जा नीचा है, हमारी मूर्खता है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, गीता में भगवान भी कहते हैं, इसी प्रकार से महाभारत और भागवत आदि और उपनिषदों के माँ भी इसी प्रकार से सब बात आती है। तुलसीदास जी और कहाँ से ले, निगम आगम पुराण इनका जो भाव है उसी को इकट्ठा करके, जहाँ भगवान की लीला लिखी है सब इकट्ठे करके तुलसीदास जी ने रामचरित्र की रचना की। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुख दाई, यही तनु कर माने इस मनुष्य के शरीर के पाने का फल है। ये विषय भोग नहीं है, विषय भोग तो पशु ही ऐसा भोगते हैं, पक्षी भोगते हैं। आहार निद्रा भय मेथुनानी सामान्य चेतानी नरणं पशु नाम, आहार निद्रा भय मेथुन ये तो नरों में असल जो मनुष्यों में और पशुओं में सामान्य है। तो क्या स्वर्ग के लिए, बोले नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, वो स्वर्ग भी है अल्प है, थोड़े समय के वहां उसका सुख मिलता है, अंत में दुख मिलता है। जब स्वर्ग से गिराया जाता है तो मरने के समय जैसा हमारे को दुख होता है उससे भी बढ़कर उसको दुख होता है। मरने के समय ज्ञान नहीं रहता दुख का, इस वास्ते उस बोध तो नहीं रहता, और देवता होकर के गिरते हैं तो ज्ञान रहता हुआ गिरते हैं तो ज्यादा दुख होता है। तो इस वास्ते इस ये जो मनुष्य का शरीर दिया है सो स्वर्ग के लिए नहीं दिया, तो किसके लिए दिया, आत्मा के उद्धार के लिए। और जो मनुष्य का शरीर पाकर अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता है और भोगों में मन लगाता है उसकी क्या दशा होती है, वो कैसा है, उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नर तनु पाय विषय मन देही, नर तनु पाय विषय मन देही, और पलटी सुधाते छठ विषय ले ही, पलटी सुधाते छठ विषय ले। मनुष्य के शरीर को पाकर के जो बड़े भागमान स्तनुपावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये सत्शास्त्र कहता है। ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर के जो विषय भोगों में मन लगाता है वो मूर्ख है, अमृत के बदले में विष को लेता है। सख माने मूर्ख, मूर्ख जो है वो बदला करता है किसका, कि अमृत तो देता है और विष लेता है। तो अमृत क्या है, कि परमात्मा अमृत है, उसकी प्राप्ति के जितने साधन वो भी सब अमृत है, तो उसको छोड़ करके विष भोग रूपी विष को सुख खाता है, जो जिसका
विष चढ़ जाता है तो जन्मता मरता रहता ही है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ये दशा उसकी होती रहती है आगे जाकर के। और ताही कबहू भल कह गन कोई, गुंजा गहे परस मणि खोई, उसको कोई भी नहीं कहेगा कि अच्छा आदमी है, ये समझदार है, कोई भी नहीं कहेगा इसको कि जो गुंजा जो है घूंघती तो उसको तो लेता है और समझो कि पारसमणि को खोता है। पारसमणि उसका नाम है कि जिसके लोहा छुआया जावे तो स्वर्ण बन जाता है, ऐसे पारसमणि को खो करके और जो घूंघती को लेता है उसको कौन बुद्धिमान कहेगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने आपने बताया है। और ऐसे ही एक प्रकार से गीता के बीच के माँ उसे भोगों को भोगने वालों को भी उसकी भी निंदा करी है कि वो मूर्ख है, ये संस्पर्शा भोगा दुख योन एवते आदंत अंत कौनते नैते सुरमते बुझो, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो है इसको इसका और इंद्रियों के संबंध को संस्पर्श कहते हैं और इससे उत्पन्न जो सुख उसको संस्पर्शा भोगा, इंद्रियां और विषयों के संबंध से उत्पन्न जो राशि सुख है उसको भोग के नाम से कहा गया है। तो ये कैसे हैं कि परिणाम के मां दुख के देने वाले हैं और कैसे हैं कि आदि अंत वाले हैं, तो इनके बीच के मां जो है सो मूर्ख रोगी रमते हैं न तेसु रमते बुध, बुध जो विवेक की ज्ञानी जो है इस भोगों के मां नहीं रमते मूर्ख रोगी रमते हैं। तो इस प्रकार से उनको मूर्ख सो बतलाया और स्वर्ग की जो प्राप्ति है उसकी भी निंदा ही की है कि जो इस प्रकार से अव्यवसायी जो पुरुष है वे एक प्रकार से सुरुख को ही सबसे बढ़कर के मानते हैं और उनको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, इस वास्ते उनको जो समाधि से मिलने वाला सुख नहीं मिलता, वे एक प्रकार से कभी उनकी बुद्धि है सो आपने योग वाली बुद्धि उसको नहीं मिलती, तो जन्मते मरते रहते हैं। जैसे नोई ध्याल के मामला तेतन भूतवा सुख लोकंग विशालंग अर्क्षिणे पुण्य मृत लोकंग भीषण थी, वे स्वर्ग में जाकर विशाल भोगों को भोग करके पुण्य क्षण होने पर इस मृत लोक के बीच के माँ वापिस आ जाते। ये भगवान ने गीता की 9 अध्याय के और 21 के श्लोक में बताया है और ऐसे ही समझो कि दूसरी अध्याय के बीच के माँ 41 के श्लोक से लेकर करके और इसका 44 के श्लोक तक इस स्वर्ग की प्राप्ति वाले पुरुषों की गति विशेष के विषय में कहा है। तो बतलाना यह है कि ये मनुष्य का जो शरीर है तो स्वर्ग के लिए भी नहीं मिला, नहीं मिल स्वर्ग के लिए भी ऐसा नहीं मिला है और संसार के भोग भोगने के लिए भी नहीं मिला है, तो किसके लिए मिला है कि आत्मा के उद्धार के लिए। आत्मा का उद्धार क्या चीज है? आत्मा वो परमात्मा की प्राप्ति जिसका नाम है, परम पद की प्राप्ति जिसका नाम है, मुक्ति जिसका नाम है, परम गति जिसका नाम है, ब्रह्म की प्राप्ति भी उसको ही कहते हैं। बोले ये तो सुने आपसे वहाँ क्या है, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है मुक्त हो जाता है तो क्या है कि ये जो लाखों करोड़ों जन्मों से जो दुखित हो रहा है, जन्मने मरने का दुख पा रहा है, महान कलेश एक प्रकार से थी, इस कलेश को भी याद करो थोड़ा बैराग पैदा हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्मने में दुख, मरने में दुख, व्याधि में दुख, बुढ़ापे में दुख, इन इस दुखों को दोष रूप से जो अनुभव करता है ना, दुख रूपी जो दोष को देखता है उसके बैराग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका आपने अवलोकन करना चाहिए बैराग की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार का जो है दुख है अनंत जन्मों से इसको भोगना पड़ता है तो सारे दुखों का अभाव हो जाता है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक जितने प्रकार के दुख है सबका एकदम सदा के वास्ते इन सब का विनाश हो जाता है। यही बात सब दुखों के अत्यंत अभाव को
अपने मुक्ति अपने योग कहता है, संघ कहता है, वेदांत कहता है, गीता कहती है, और भी इसके सिवा और भी बात गीता कहती है कि सारे दुखों का अत्यंत अभाव ही नहीं, समझो कि परम शांति और परमानंद की प्राप्ति सदा के लिए हो जाती है। उसको समझो ऐसा आनंद मिलता है कि सारी दुनिया का सुख इकट्ठा कर लिया जावे तो उस आनंद सागर की एक बूंद के समान भी नहीं हो सके। ऐसा जो परमात्मा का साक्षात जो समझो कि अत्यंत सुख स्वरूप आनंद स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाता है, जिसके सुख की कोई सीमा नहीं, जिसको पाकर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, ऐसे आनंद को प्राप्त होता है। और वो ऐसी शांति मिलती है कि समझो कि सारी दुनिया की शांति इकट्ठी कर लो तो उस शांति के मुकाबले के बीच के माँ एक अंश मात्र भी ऐसा शांति नहीं ऐसा होती, ऐसी परम शांति को प्राप्त होता है। और समझो कि दुर्गुण और दुराचारों का एकदम अत्यंत अभाव हो जाता है और वो एक समझो कि सच्चिदानंद बन जाता है। ये उसको कहते हैं कि परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। सुखमात्म कंग्य तद और बुद्धि ग्राजम अतिम व्यति यत्रण चयम अस्तित चलती तत्व की अर्जुन ये कहा भगवान ने गीता की छठी अध्याय के 21 के श्लोक में कि वो अत्यंत सुख है जिसका अंत नहीं, और कैसा है कि वो बुद्धि से समझ में आता है, वह इंद्रिया की पहुंच नहीं है। जिस काल में उसे परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है, ब्रह्म का अनुभव होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, तब यह ब्रह्म ही बन जाता है और फिर उस ब्रह्म के तत्व से कभी चलायमान नहीं होता, फिर गिरता नहीं, फिर इसका कभी पतन नहीं होता, सदा वहां रहता है। उसके लिए हमको चेष्टा करनी चाहिए, वो चीज एक प्रकार से हमारे को बहुत शीघ्र इस मनुष्य के शरीर में मिलती है। और भगवान इसका उपदेश देते हुए उस उपदेश का नाम है विज्ञान के सहित ज्ञान, जो 9वें अध्याय के आरंभ में उसकी प्रशंसा करते हुए उसके 8 विशेषण दिए हैं। इदम तुते गुजतम प्रवक्षामन सूये ज्ञान विज्ञान सहितम जिज्ञासुवा मोक्ष से शुभात। इसका ये अर्थ होता है 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदम तूते गुज तमंग, ये बात मैं तेरे को गुज तम बात कहता हूँ। एक तो गुज बात होती है गोपनीय बात, उसको हम गुज बात कहते हैं, और एक गुज तर होती है जो उससे भी और समझो कि गोपनीय, और एक होती है गुज तम जो एकदम समझो सबसे बढ़कर गोपनीय। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को ये गुज तम क्या कहता हूँ, विज्ञान के सहित ज्ञान है सो मैं तेरे को, वो कैसा है कि जिसको तू जान करके अशुभ जो संसार दुख में दुख का घर इससे सदा के वास्ते मुक्त हो जाएगा। और कैसी वो चीज है कि राज विद्या राज गुज्जम पवित्र मिदमुत्तम प्रत्यक्ष अवगम धर्मं सुसुकं कर्तुम अव्ययम। सारी विद्याओं की राजाओं ने उसका नाम राज विद्या है, सब में गोपनियों के बीच में भी बढ़कर राज गुज्जम और पवित्र, कैसा ही पापी हो वो भी परम पवित्र बन जाता है, और उत्तम इससे बढ़कर के उत्तम कोई पदार्थ नहीं है। क्योंकि जगह जगह भगवान कहते हैं कि एक बार यम लुब्धवाचा परम लाभंग मन तेनाधिकं तत, अर्जुन जिस परमात्मा को पाकर के वह पुरुष फिर उससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं मानता है। ये भगवान ने गीता की 6वीं अध्याय के 22 के श्लोक के पूर्वार्ध में कहा है। इसी प्रकार से श्री भगवान यहाँ कहते हैं कि अपना उत्तम से उत्तम यह है और उसका फल एकदम प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं कि तुम एक प्रकार से जग करो उसका परलोक में फल मिलेगा, तुम पितरों को पिंड दो और जल दो उसका तुम्हारे पितरों को मिलेगा। शास्त्र के प्रमाण से हमको विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए कि इस तरह उन हमारे पितरों को मिलता है, किंतु हम देखने तो नहीं पाते ना। तो ये कहते ये तो अपने प्रत्यक्ष इसी शरीर के माँ तुम अनुभव करोगे उस चीज का, इस वास्ते ये प्रत्यक्ष फल स्वरूप है और धर्ममय है, कोई परम धर्म है
और समझो कि नित्य अविनाशी है, उसका प्राप्ति होने के बाद फिर उस चीज का विनाश नहीं होता है। तो बोले ऐसा तो साधन में कठिन होगी। बोले नहीं, बहुत ही सुगम है। तो फिर लोग क्यों नहीं करते हैं? बोले श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, इसलिए अश्रद्धाना पुरुषा धर्म से परम तब है अप्राप मांग निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी। ये नौ अध्याय का तीसरा श्लोक है। कहते हैं कि अस्य धर्म से इस धर्म के ऊपर जिनका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वे मुझ परमात्मा को या उस परम गति को, परम शांति को न पाकर करके और संसार के बीच के मां भटकता फिरता है, यानी संसार के बीच में भ्रमण करता फिरता है, मृत्यु संसार सागर के मां और वह भटकता फिरता है। अब इस बातों को सुन करके अब हमारे को विचार करना चाहिए, ईश्वर ने हमारे को जो बुद्धि दी है, विवेक दिया, किस लिए? पशु भी अपने समझो कि हित की तरफ ख्याल करता है, और हम मनुष्य होकर के अपने हित की तरफ ख्याल नहीं करते तो हम लोग फिर पशु से ही गए बीते हो गई। पशु भी अपने हित की तरफ ख्याल करता है तो अपना हित किस लिए, ये विचार करना चाहिए। हमारे जो स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, मकान है, शरीर है, ये सब सामग्री है, किंतु आज हम यहां से मर गए तो कल किसी के साथ में हमारा संबंध रहेगा? बोले बिल्कुल नहीं। आपको ये ज्ञान रहेगा कि हम पहले यहां थे? क्योंकि संसार में जितने आदमी, किसी को पहले का ज्ञान नहीं, तो संभव नहीं कि हमारे कोई रहेगा ज्ञान। तो फिर तुम्हारी संपत्ति को, चाहे तुम्हारे मरने के बाद कोई भी मालिक हो, तुम्हारे से उसका क्या संबंध? तुम्हारी जो अस्थि है, तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारे जो कुटुंब वाले हैं, मित्र वर्ग हैं, और तुम्हारा जो घर है, मकान है, तुम्हारे रुपयों की थैलियां है, रपन है, या किसी से भी कोई संबंध किंचित मात्र? बोले बिल्कुल नहीं रहे। तो फिर मूर्ख तुम अपने असली बात को छोड़ करके इस पंजे में फंस करके अपने जीवन को नष्ट क्यों करे? समझो तू रोज 1000 रुपया लाकर इकट्ठा करता है और महीने में 30,000 रुपये की तेरे पैदा है, मान लो थोड़ी बार, और समझो 1,00,000 रुपया की पैदा समझो महीने में। किंतु जब तुम आज मर गया तो रात की थैली तो तुम्हारे सिराने धरी रही, तुम्हारे को तो 5 पैसे मिले ही नहीं, और उस उपार्जन करने के वहां जो समझो कि झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगेबाजी और विश्वासघात, नाना प्रकार का पाप कर करके तू जो रुपया कमा करके लाता है, उस पाप का फल कौन भोगेगा? वो सब तेरे को भोगना पड़ेगा। यही तुम्हारी मूर्खता है। अरे ये तुम्हारा जो शरीर है जिसको तुम पशु की मापक पोसते हो, ये भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। इसको लोग शमशाना में ले जाकर जला देंगे और इसकी भस्मी होकर के मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। ये शरीर मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में मिल जाना। ये जो तुम्हारा शरीर जो है ना, अन्न खा खा करके मोटा होया है। अन्न कहाँ से आया? अन्न आया एक प्रकार से वृक्षों से। वृक्ष कहाँ से आए? इस पृथ्वी से, मिट्टी से। तो आखिर के मां तुम मिट्टी से है ना, ये सारे जो पदार्थ है मिट्टी से पैदा हुए हैं। इनको तुम विश्वास नहीं करो तो सबके आग लगा कर देख लो, सबकी मिट्टी हो जाएगी। जैसे बहुत से गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, और कुठारी में डाल के नीचे आग लगाई जाती है तो सोना बन जाता है। तुम्हें सोना क्यों बने? उसका जल क्यों नहीं बन जा? उसकी एक प्रकार से समझो कि और कोई चीज, और कोई कैसे, वो सोने से ही सारे आभूषण बने तो सोना ही बनेगा। तो इसी प्रकार से सब चीजें मिट्टी से बनी है, तो आखिर में मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर इस शरीर को पोषने से तुम्हारे को क्या लाभ हुआ? तो ईश्वर ने तुम्हारे को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तुमको तो ऐसा काम करना चाहिए कि जो तुम कार्रवाई करो वो तुम्हारे हित हो, तुम्हारे तुम्हारा हित करने वाली हुए। और तुम्हारे हित में तो कुछ हो ही नहीं तो तुम तो मूर्ख हो। तो जो
वास्तव के बीच के माँ परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन हमारे शास्त्रों में बतवाए हैं उनको कर करके देख लो, इसी जन्म के बीच में तुम्हारे को बड़ी भारी शांति, बड़ा आनंद ऐसा मिलेगा कि चाहे तुम्हारे शरीर को कोई काट डालो, बोटी बोटी कर लो, किंतु तुम्हारे को आंच भी सुनी आगी। प्रथम तो समझो कि यहाँ तक हमारे प्रमाण आते हैं कि जो भगवान की भक्ति में एकदम तन्मय हो जाता है तो उसको कोई समझो कि काट भी नहीं सकता, जला भी नहीं सकता, और यदि काट भी डाले जला भी दे तो जलने कटने वाला शरीर है, नहीं कि आत्मा है। प्रह्लाद देव उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने उसको आग में फूंक दिया, जला नहीं, जल में डुबा दिया, डूबा नहीं, पहाड़ पर से गिरा दिया, मरा नहीं, सब काम कर दिए, 20-10 सर्पों को ये द्वारा डसा दिया, 20 उसके चढ़ा नहीं, 20 का प्याला भेज दिया, खुश से पी लिया, अमृत बन गया। यही बात मीरा बहन के बीच के में हुई। तो एक तो यह बात है, किंतु मान लियो ये तो एक बहुत अप्राकृत चीज होने से हम युक्ति समित होने के कारण से थी, लोग कहेंगे कि इसके माँ हम कैसे विश्वास करें, किंतु ये तो युक्ति संगत है कि जो प्रत्यक्ष के माँ समझो कि आपने कायम रहते हुए और आपने समझो कि उसकी जो प्रसन्नता है, शांति है, आनंद है, ये तो एकदम आपने प्रत्यक्ष आपको अनुभव करके आप देख सकते हो ना। गीता कहती है कि यस्मिन स्थितो ने दुखी ने गुरु नापि विचार लेते, जिस परमात्मा में स्थित हुआ उस पर भारी भी आकर आंख पड़े तो वो आपने उस आनंद से चलायमान नहीं होता। ये तो विधि वाक्य है, ये तो एक प्रकार से आप कर देख सकते हो कि उस परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होने के बाद में भारी से भारी जो शरीर पर संकट आकर के पड़े या उस शरीर को आग में जला दे या शरीर की कोई बोटी बोटी कर दे तो भी उस आनंद के स्वरूप में वो स्थित रहता है और वो कभी चलायमान नहीं होता। तो थोड़ी बार और समाप्त करूंगा, कोई भाई को जल्दी उठाओ, माता बहनों को सबको खूब ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो है इस संसार के वहाँ किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। जब ऐसा ख्याल नहीं करें तो फिर समझो कि पशुओं में और हमारे में फर्क ही क्या है। ईश्वर आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और जो बुद्धि और विवेक आपको प्राप्त है ये काफी है, इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, सारी बातें आपको बहुत थोड़े ही समय के में हो सकती है, इसके लिए बहुत समय की कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो कि रात और दिन 24 घंटों एक प्रकार से थी हाय धन करते करते अपनी आयु को पूरी कर रहे हो, ये भी विचार किया है कि तुम धन का इकट्ठा करते जा रहे हो, इसका नतीजा क्या होगा ये भी कभी विचार किया है? जैसे गधा अपने भार ढोता रहे एक प्रकार से और मट्टी का ढेर लगा दे, उस गधे को तो ये ज्ञान नहीं है कि मट्टी का ढेर क्यों लगाया जाता है, उस गधे को उससे क्या समझे, कुछ भी समझ नहीं है, खाली उसका तो भार ढोने काम है। तो हम गधे हुए कि दिन भर समझो भार ढोते रहे और उस धन को न मालूम कोई सरकार ले जाएगी या और कोई ले जाएगा या उसका क्या होगा, क्या दशा होगी, तो फिर हम ऐसा पाप क्यों करें थोड़े जीने के लिए, यदि कहो खाएंगे क्या, अरे कुत्ते संसार में जीते हैं, तुम्हारे को अपने जीवन की क्या चिंता लगी। कुत्तों के पास के माँ कोई स्टॉक नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, कुछ नहीं, और उसके कोई मकान भी नहीं, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं, और समझो ओढ़ने पहनने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं, और कल के खाने के लिए रोटी नहीं, समझा। तो वे भी तो संसार में जीते हैं, मर तो नहीं जाते हैं, तो फिर तुम भी मरोगे, तुम्हारी क्या पहला बारी आ जाएगी, तो ऐसा तुम क्यों अविश्वास करो। तुम्हारे को किसी भगवान पर विश्वास करना चाहिए, अपने तकदीर पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य का तकदीर साथ रहता है और भगवान तो सब जगह में मौजूद है ही, फिर तुम भगवान को छोड़ करके के और किसका आश्रय लिया, जो सत्य जो वस्तु है उसका त्याग करके मिथ्या का आश्रय लिया,
शास्त्र क्या कहता है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नष्टंति अध्रुवं नष्ट ही। हे भाई, जो ध्रुव जो नित्य वस्तु जो परमात्मा है उसको छोड़ करके जो मिथ्या जो वस्तु है नाशवान है उसे का जो सेवन करता है तो उसके लिए जो सत्य जो वस्तु है वो भी छिप जाती है और मिथ्या तो मिथ्या है ही। तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके और तुम्हारे को उस काम को करना चाहिए कि जिस काम के लिए तुम यहाँ आए थे, ये प्रसन्न किए गए थे सरू के बीच के वहां, ये विचार करना चाहिए कि जीवात्मा क्या चीज है। तो बता दिया गया ईश्वर का अंश और व्यष्टि चेतन, परमात्मा क्या कि समष्टि चेतन, और समझो शिव सेवक, शिव जो है उपास देव और जीव है उपासक। और ये प्रस्ताव था कि आपने ये प्रकृति क्या है तो बताया गया ईश्वर की शक्ति, ये दिखने वाला संसार क्या पूछा गया था तो इसका उत्तर हुआ कि ये प्रकृति जो ईश्वर की शक्ति उसका विकार उसका कार्य। ये पूछा गया कि भी इस प्रकृति के साथ में जीव का संबंध क्या है, तो वो प्रकृति माता है और ये शरीर उसे का ही एक अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। प्रकृति का इस जड़ भर का क्या संबंध है कि वो कारण है ये कार्य है। तो ये संबंध आपको बताया, ये पदार्थ आपको बताया, हम लोग कहां से आए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 इस मनुष्य शरीर में ईश्वर की कृपा से आए। कबू के करी करुणा नर देही और देत इस बिन हेतु सने ही। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते और भगवान को दया देख करके आती है तब इसको मौका देते मनुष्य का शरीर देते। यदि भगवान आज हमारे को बंदर का शरीर देते तो इस गाछ से उस गाछ पर उस गाछ से उस गाछ पर फलांग मारते फिरते, और कहीं कीट पतंग का देते तो कोई कीड़ा होता तो कोई आपने नहर में नाले में पड़े रहते कोई गंदे नाले में, और पतंग होते तो उड़ते फिर ये दशा होती। हमारे बस की बात थोड़ी थी कि मनुष्य बन जावे, तो ईश्वर की कृपा से ही हमने मनुष्य का शरीर पाया है। ऐसे शरीर को पाकर के उस ईश्वर को बुलाना, ये बात थी कि ईश्वर है या नहीं इसके वास्ते क्या, इसके वास्ते शास्त्र तो कहता है कि ईश्वर से भूतानां हृदय से जुन्ति स्थिति, ईश्वर से भूत प्राणियों के हृदय के मां स्थित है। वेद कहता है ईशा वाष्मिदं सर्वं यत् किंच जगतां जगते जगत में जगत ईश्वर करके परिपूर्ण है। यदि कहो कि हमको वेद शास्त्र का विश्वास नहीं, जुक्ति से, जुक्ति भी प्रत्यक्ष है क्योंकि पशु को तो नहीं समझा सकते, आप तो मनुष्य हो तो इस वास्ते आप में ईश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, आप समझ सकते हैं। आप आंख खोल करके देखते हो ना, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आपको दिखते हैं, दिखते हैं सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे असंख्य की अब असंख्य दिखते हैं, असंख्य तारे और सूर्य चंद्रमा समुद्र आदि सब चीज दिखती है। इनको पैदा करना, यथा योग स्थान में स्थापन करना और इसका संचालन करना और इसकी निगरानी रखना, ये नष्ट भ्रष्ट न हो जावे, इतना बड़ा जंत्रालय उसका शासन करना। यदि शासन करता न हो तो एक दिन भी नहीं चल सके। कोई भी ऐसा जंत्रालय है कि बिना शासक के चले, बिना संचालक के चले? कोई भी ऐसा कोई पदार्थ है कि बिना समझो कि उत्पाद के बिना ही हो जाए, कोई कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जावे? तो इसके जो कारण है वे भगवान, इसके जो धारण करने वाले वे भगवान, इसमें जो व्यापक है वे भगवान, इससे संचालन करने वाले संचालक भगवान, तो ये प्रत्यक्ष ही है। माने जो इसका संचालन करता है, जो इसकी रक्षा करता है, जो इसको पैदा किया है, जो इसके बीच में व्यापक होकर के मौजूद है, उसका नाम ईश्वर है। और वो चेतन है, बुद्धि बड़ा भारी बुद्धि का सागर है, सारी बुद्धियां उसकी शाखा है,
तो इस प्रकार का जो है वो ईश्वर एकदम युक्ति से प्रत्यक्ष जो है, परलोक भी इसी प्रकार से, शास्त्र तो कहता ही है परलोक है, आपको हमने गीता से बताया, और भी बहुत से प्रमाण हैं, दीन उसमी निथा देहे कोमारंग योगनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुझती। जिस प्रकार से इस देह के बीच के वहां समझो कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था होती है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है, किंतु धीर जो ज्ञानी है उसमें मोह को प्राप्त नहीं होती। पाषाणी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरो पराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नन्यानी संज्ञाति नवानी थी। जिस तरह पुराने वस्त्रों को छोड़ करके मनुष्य दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों को धारण कर लेता है। शास्त्र तो कहता ही है, सभी शास्त्र कहते हैं, जैन शास्त्र में भी यह है, आर्य समाज जी वेदों में भी ये बताते हैं, सनातन धर्म भी अपने श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों में भी यही बात बताते हैं, हमारे सारे धर्मों के बीच में हिंदू मात्र के धर्म के मां ये बात पतराई जाती है। किंतु एक रूप से पुनर्जन्म को जो है ईसाई और अपने मुसलमान भाई लोग नहीं मानते, तो वो नहीं मानते तो उसमें क्या हर्ज, नहीं माने नहीं माने, अपने को तो मानना चाहिए ना। बोलो इसके लिए दलील दीजिए कि हम नहीं माने तो हमारे क्या नुकसान है, माने तो हमारे क्या नुकसान है, और नहीं माने तो हमारे क्या नुकसान, मानने में क्या लाभ। और दूसरी ये दलील कि पुनर्जन्म है इसके वास्ते साबूती क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या। बहुत ठीक है, आपके पिता परपिता मैं हुए ना, बोले हुए, प्रमाण, बोले प्रमाण मैं हूं ना, मैं जिससे पैदा हो मेरा पिता, और मेरा पिता जिससे पैदा हो मेरा दादा, कितनी पीढ़ी तक, 10-12-20 आगे ने वो आगे ने आगे तो पता नहीं, आगे ने तो को चलाना चाहिए ना। तो आखिर के बीच के माँ ये उसकी समाप्ति भगवान में होती, भगवान से सारी संसार की उत्पत्ति हुई। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 ஆனந்தா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 ன